भैया जी मंचा सीन होने के लिए आ चुकी हैं। हरी बोल। प्राचीन जो व्यवस्था हमारी थी, हमें गर्व है कि हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान है। माननीय मंत्री जी आ चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामना अभिनंदन। उसके बाद विधिवत गीता भी काटेंगे, आप सभी को कल कमल बनाएंगे। मंत्री जी स्वागत ज्योतिषम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प मशतो। बहुत बहुत शुभकामना। और मैं महायज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री ललन कुमार वर्मा जी, इस यज्ञ समिति के सचिव श्री सत्यजीत जी, सतवीर सिंह जी, इस आयोजन के कोषाध्यक्ष श्री चंदन कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित मुख्य प्रतिनिधि श्री शशि कुमार राय जी, उप मुखिया श्री मुरारी मेहता जी, और इस मंच पर उपस्थित इस आयोजन के कर्ता धर्ता और इस आयोजन यहाँ स्थापित करने के लिए हमारे पुराने परिचित आचार्य जयदेव जी इस मंच पर कथा वाचिका के रूप में उपस्थित, गौरी प्रिया जी, यज्ञ समिति के सभी सदस्यगण सामने उपस्थित, सुंदर गांव के आसपास के नौजवान मित्रों, बुजुर्गों, मावक माताएं एवं बहनों, कल से यह यज्ञ प्रारंभ हुआ है कलश यात्रा के माध्यम से और आज का दूसरा दिन है। और इन नौ दिनों में इस क्षेत्र में धर्म की धारा बहेगी। इसमें सेटिंग बहुत सारा होता है। जो यज्ञ आयोजन किया गया है, लक्ष्मी नारायण यज्ञ एक पालन करता है और दूसरे धर्म क्या करते हैं, धन और संपदा और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, उनको आप लोग नौ दिनों तक याद करेंगे। और वेद मंत्रों के माध्यम से तो यहाँ होम यज्ञ होम जाप होगा, इससे जहाँ वातावरण शुद्ध होगा, वहीं इस क्षेत्र में इस यज्ञ के माध्यम से धर्म के प्रति लोगों में आस्था जागृत होगी, सनातन धर्म के प्रति लोग जागृत होंगे, इसे समझेंगे और कथावाचिका के रूप में जो भी वक्ता अगले आठ दिनों तक यहाँ उपस्थित होंगे, धर्म के मर्मज्ञ लोग होंगे, ये धर्म के बारे में आपको बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के लोग धर्म को, धर्म की मर्मज्ञता को समझेंगे और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धर्म के माध्यम से जो बातें कही जाती है वह जीवन को बेहतर बनाती है, जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हम आज के दिन आप सबों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि यज्ञ से जहाँ वातावरण शुद्ध होगा, आप अपने मन को भी शुद्ध करें। और जैसा कि शशि जी ने कहा, जिस प्रकार की सामाजिक समरसता आपने यहाँ इस गांव में लाई है, इस क्षेत्र में लाई है, यह कायम हो गया सबसे बड़ा चीज है। मानव जीवन जितना शांतिपूर्वक आप जिएंगे, जितने सांप्रदायिक सद्भाव और सद्भावना के साथ जिएंगे, उतना बेहतर जिंदगी होगा। तो मैं आज के दिन को इतना ही कहना चाहता हूँ।
की यज्ञ में जो जगदेव जी जयदेव जी यहाँ धर्म की ध्वजा को गाड़ कर धर्म को अगले 9 दिनों तक प्रचारित करेंगे, उससे आप जरूर फायदा लीजिए। इनके अनेक यज्ञों में मैं गया, सभी जगह सुव्यवस्थित तरीके से ये यज्ञ का आयोजन करते हैं और किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं होती है। हम तो इससे आज भी यहाँ आए हैं, इसके पहले भी हम गए थे धपरी, उसके पहले हम गए थे चीतोचक, उसके पहले चाय, अनेकों जगह पर इन्होंने यज्ञ कराया और सब तरह बेहतर व्यवस्था इन्होंने किया है और सभी धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले प्रवचनकर्ताओं को आपके बीच प्रस्तुत किया है। तो आइए हम आपको अपनी ओर से शुभकामना देते हैं कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो प्रवचनकर्ता आप आए हैं उनका प्रवचन ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, यही यज्ञ की सफलता होगी और यही इस क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। मैं अंत में आचार्य जगदेव जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनेक बार मुझे अपने यज्ञ में आने का मौका दिया और यहाँ के आयोजन समिति को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम तो दूसरे क्षेत्र के हैं लेकिन यहाँ के लोगों का प्रेम और स्नेह उस पर बना हुआ रहता है, इसलिए हमेशा याद करते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुंदर के लोगों को नाखुश नहीं करें, इन्हें प्रयास करते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी बात शशि जी ने कहा उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, सीधा सीधी तो नहीं कर सकते लेकिन हम व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्य क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों के दिल दिमाग में जो अपने कमा करके रखा है प्रेम स्नेह आस्था, वो बहुत बड़ी चीज है। एकदम बड़ी कथा का शुभारंभ और मंच से विराजमान होने के बाद माइक वाला माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा